अच्छा भोजन अधूरा होना चाहिए कि पूरा? अर्ध भोजन वृद्ध गाय दाता दे नरक को जाए। भोजन कभी भी किसी को कहीं भी आधा नहीं करना चाहिए और ना कराना चाहिए। ऐसा करने वाले दोनों ही नरकगामी होते हैं और यूजलेस दान। कई लोग होता ना भाई, हम सूट सलवार साड़ी नहीं पहनते, चलो ये मंदिर में दिया हो, कथा में दिया हो ना, या गरीब को दे दो। अरे यार दिल तो गरीबों का भी होता है, बोलो होता है क्या? नहीं, काम वाली को दे दो ना, अपने यहां काम करने वाले जो भी हो। कोई भी, आपसे मेरा निवेदन है, अपने से अच्छा दूसरों को खाना खिलाओ और अपने से अच्छा दूसरे को दान करो। विशेष करके मुझे तो बिल्कुल मत करना, कोई भी दान मत करना। दान हमें वहां करना है जहां आवश्यक हो। कहां करना है? और मेरी समझ में भाई आवश्यक है उनको दान। और एक और मेरे मन में, कथाओं में, मंदिरों में जो भी दान आता है उसे ना संग्रह मत करो, उसे तत्काल सेम डे आशीर्वाद और प्रसाद के रूप में लोगों को दान करो। भगवान राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त किया तो विभीषण कहता है, प्रभु यह लंका आपकी है, आपके द्वारा दी हुई है, स्वीकार करो। तो मेरे राम ने कहा, विभीषण यह सब पुष्पक विमान में भरो और यह लुटा दो, क्योंकि यह माल लूट का है और लूट के माल का दान नहीं, इसे लुटा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? तो जब भी हमारी आवश्यकता से अधिक जो हमें मिला है, दो वक्त की रोटी खाते हैं हम सब लोग, सर ज्यादा खाते हैं, पेट से ज्यादा तो नहीं खाते ना? और 1.5x6 की जगह पे हम लोग सब सोते हैं। कितनी जगह में सोते हैं? बेड भले ही चाहे आपका 6x6 का है, पर सोते आप 1.5x6 में। कई लोग तो हम जैसे तो उसमें भी आधे में सो जाते हैं, ज्यादा खर्च क्यों करूं? हम 1.5x6 की जगह में सोते हैं, दो वक्त की रोटी पेट में खाते हैं, पर हम पूछना चाहते हैं सब अपने आप से, तो हम ये दुनिया भर का फिर क्यों इकट्ठा करते हैं? क्या भगवान पर भरोसा? जिसने आज दिया है वो कल भी देगा, और कल भी दिया है वो परसों भी देगा। जब दांत न थे तब दूध दियो, हमारे दांत नहीं थे बोलो दूध दिया कि नहीं? जब दांत दिए तो अन्न भी दे दे, अन्न मिला कि नहीं? जान को देत अजान को देत वो सब को देत वो तो को भी देगो। नव में चेतन में जड़ में जो सब को देत वो तो को भी देगो। काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे से कहा कर ले। बोलो सोच नहीं करता,